ये रेड नहीं है, ये बर्बरता है। बर्बरता जो केंद्र की तानाशाही सरकार ईडी सीबीआई के माध्यम से देश के जिम्मेदार नागरिकों के ऊपर, देश के उन नागरिकों के ऊपर ये बर्बरता कर रहे हैं जो संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानी श्री गोविंद डोटासरा साहब के साथ में पिछले 2 महीनों से लगातार जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, उसकी राजस्थान का छात्र, राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का हर जागरूक नागरिक उसकी निंदा करता है, उसकी मुखालफत करता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को देंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी को और उनके साथ के जिन लोगों पर ये कार्रवाई कर रहे हैं उनको कहीं ये दोषी ठहरा सके, उसके बावजूद कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कैसे कांग्रेस पार्टी को डिस्टर्ब किया जाए, उन्हें अस्त व्यस्त किया जाए, ये काम भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं, मुखालफत करते हैं, चेतावनी देते हैं। अगले 24 घंटों में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को सड़क पर उतर कर प्रचार नहीं करने देंगे। राजस्थान के किसान समुदाय को एक किसान नेता के ऊपर बर्बरता कर इन्होंने आहत पहुंचाने का काम किया है। राजस्थान का किसान संप्रदाय इस बात से आहत हुआ है, एक बाकसाफ व्यक्ति के ऊपर इन्होंने छींटे खींचने का काम किया है। राजस्थान के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है। इन बब्बर शेरों को डराने का, धमकाने का जो काम ईडी कर रही है, इसमें सफल नहीं हो पाएगी। केंद्र की तानाशाही सरकार का विरोध करते हैं, मुखालफत करते हैं, उन्हें इसका जवाब पूरे प्रदेश में बंद करके, तालाबंदी कर हम इसका जवाब देंगे।